हेलो फ्रेंड्स, सिरोंसा ले देखने के बाद अब हम रघुपुर फोर्ट का ट्रैक करने जा रहे हैं। रघुपुर फोर्ट जलोरी पास से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ट्रैक के शुरुआत में ऐसी कच्ची और पथरीली पगडंडी बनी हुई है। इस ट्रैक के लिए आपको ओक और रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट के बीच में से जाना पड़ता है। रास्ता बताने के लिए कोई बोर्ड नहीं है, इसलिए हम अंदाजे से चले जा रहे हैं। आगे हाई साइड कैंप का बोर्ड लगा हुआ है, यानी हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ पर भी कैंप के लिए लगे हुए बोर्ड ही हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। थकान काफी हो गई है, लेकिन ये फ्लैट एरिया देख के हमें लग रहा है कि हमने रघुपुर फोर्ट का ट्रैक पूरा कर लिया है। बोर्ड तो बता रहा है कि ट्रैक अभी भी आधा किलोमीटर बचा हुआ है, और ये आधा किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही स्टीप और मुश्किल है। तो फाइनली हम रघुपुर फोर्ट की कैंपसाइट पर पहुंच ही गए। यहां से चारों तरफ का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है, और लग रहा है कि हम पहाड़ों से बहुत ऊपर आ गए हैं। चलिए अब सामने रेस्टोरेंट तक चलते हैं और वहां से व्यू देखते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ओवरनाइट कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ से रघुपुर फोर्ट के रुइंस लगभग 20 मिनट की दूरी पर हैं, लेकिन मौसम खराब होता नजर आ रहा है, इसलिए वापस जलोरी पास की ओर चलते हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं, इसलिए हमारी स्पीड बढ़ गई है और हम जल्दी ही जलोरी पास पहुंच जाएंगे। जलोरी पास पे हमको ये क्यूट डॉग मिला। डॉग को तो बेली रब करवाने में और हैंडशेक करने में बहुत मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।